दोस्तों, जब भी बात चिकन की आती है तो इससे खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। शायद आप भी खूब चाव से चिकन से बनने वाले पकवान को खाते होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश भारत में लगभग 70% लोग नॉनवेज खाया करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो इंडिया में 23 से 37% लोग सिर्फ हरी सब्जी फल आदि का सेवन करते हैं। अब इतने सारे लोगों की भरपाई करने के लिए देश और दुनिया में मुर्गी पालन का व्यापार बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग भी चिकन खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर किन किन तरीकों और मशीन की मदद से पहले अंडों से चूजों को निकालकर उन्हें पाला जाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि आपकी प्लेट में चिकन को लगाने से पहले मुर्गों और मुर्गियों को कैसे पाला जाता है? शायद आप ना जानते हो, क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि अबे अपन को चिकन खाने से मतलब है। लेकिन भाइयों, आपको बता दें कि मुर्गी द्वारा दिए गए हर अंडों में चूजा नहीं निकलता। दरअसल चूजा निकलता तो है, लेकिन अधिकतर चूजे मर जाते हैं। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में मशीन का सहारा लेके लगभग सभी चूजों को बचा लिया जाता है और उसके बाद उनका पालन पोषण करके उनसे ढेर सारे रुपया कमाए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे मशीन की मदद से हर एक अंडे से चूजों को निकाला जाता है। इसके अलावा चूजों के पैदा होने से उनके मरने तक का सफर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, प्रकृति ने हर एक चीज के निर्माण के लिए खूबसूरत प्रोसेस बनाया है। जैसे एक महिला के गर्भ में 9 महीने में बच्चा बड़ा होता है, वैसे ही हर एक जीव भी कुछ निश्चित समय के लिए माँ के गर्भ में या फिर अंडे में कुछ दिन बिताकर फिर दुनिया में आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक मुर्गी एक साल में लगभग 250 से 300 अंडे देती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये इतने अंडे कैसे पैदा कर पाती है? तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक मुर्गी सिर्फ 24 से 26 घंटों में अपने अंदर एक अंडे तो तैयार कर लेती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जरूरी नहीं कि उनके द्वारा दिए गए 250 अंडों से चूजे निकलेंगे ही। दोस्तों, ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। सच ये है कि 250 अंडों में से लगभग 50 अंडे खराब हो जाते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मुर्गी द्वारा अंडा देने के बाद अंडों को चूजों से निकलने से लगभग 21 दिन लगते हैं। अंडे के अंदर शुरुआत में पीले रंग की जर्दी लिक्विड के रूप में मौजूद होती है, जो कि कुछ दिनों में धीरे धीरे लाल रंग में बदल जाती है और यही जर्दी आगे जाकर चूजे का रूप ले लेती है। और फिर 21वें दिन अंडे के अंदर से चूजे बाहर निकलते हैं। पहले दिन से 21वें दिन तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही एक चूजा बाहर निकलता है, जो आगे जाकर मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर अंडे से चूजा नहीं निकलता, लेकिन आपको बता दें कि आज के युग में फैक्ट्री में कुछ ऐसी मशीन लगाई जाती है जिससे कि कम से कम अंडे ही खराब होते हैं और आसानी से चूजे अंडों से बाहर निकल जाते हैं। अब हम आपको फैक्ट्री में मशीन अपना काम कैसे करती है वो बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अंडों को किसी ट्रक या छोटा हाथी वाहन से ट्रांसपोर्ट करके इंक्यूबेटर फैक्ट्री में भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में मुर्गी द्वारा दिए गए अंडों में से चूजे निकालने की प्रक्रिया को मशीन द्वारा करा जाता है। अब सबसे पहले तो सभी अंडों को कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है और अंडे आगे चलकर एक स्कैनर मशीन से होकर गुजरते हैं। स्कैनिंग मशीन द्वारा सबसे पहले तो ये पता लगाया जाता है कि इन सभी अंडों में से खराब और अच्छा अंडा कौन सा है। आप इस मशीन में देख सकते हैं कि इस मशीन में कुछ नीले रंग की बिंदु बन रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि नीली बिंदु वाले अंडे खराब है, जबकि हरे रंग की बिंदु अच्छे अंडों को दर्शाती है। भाइयों, इस स्कैनिंग मशीन की मदद से खराब अंडों को एक अलग कंटेनर में डाल देते हैं और अच्छे अंडों को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये मॉडर्न एडवांस मशीन सहजता से अच्छे अंडे को उठाकर कन्वेयर बेल्ट में रख देती है, ताकि एक भी सही अंडा खराब न हो। इसके बाद दोस्तों, दोबारा से अंडों को मशीन द्वारा ही एक खुली टोकरी में रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन बहुत आराम से प्रोसेस को पूरा करती है, ताकि एक भी अंडा टूटने ना पाए। दोस्तों, टूटने के बाद तो छोड़ो, ये मशीन अंडों पर क्रैक भी नहीं आने देती। आपको बता दें कि इन अंडों को खुली टोकरी में इसलिए रखा जाता है ताकि अंडों को हवा लगती रहे, क्योंकि इससे अंडा खराब नहीं होता और सभी में से चूजे पैदा हो जाते हैं। अंडों को टोकरी में रखने के बाद मशीन द्वारा ही इनके 10 या 20 टोकरियों का सेट तैयार किया जाता है और फिर उन्हें इनक्यूबेटर चैम्बर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस चैम्बर में अंडों को 21 दिन तक 37 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। अब 21 दिन पूरे होते ही सभी अंडों से अपने आप ही चूजे निकलने लगते हैं। सभी चूजों के निकलने के बाद इन टोकरियों को दोबारा से कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है और फिर मशीन खुद ही अंडे के छिलके और चूजों को अलग कर देती है। दोस्तों, इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अब बारी आती है इनके मेल और फीमेल का पता लगाने की। अब इस प्रोसेस को कोई मशीन नहीं बल्कि फैक्ट्री में मौजूद इंसानों द्वारा ही मुर्गे और मुर्गी की छटाई करके इन्हें अलग कर दिया जाता है। अब दोस्तों, चूजों को अंडे से निकालने के बाद इन सभी को ट्रांसपोर्ट के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है।
और यहाँ से इन चूजों की नई जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि दोस्तों पोल्ट्री फार्म में ही इनका खाना पीना और देखरेख की जाती है। आपको बता दें कि टोकरी से चूजों को निकालने से पहले फार्म में लकड़ी के बुरादे को फैला देते हैं और फिर इन्हीं लकड़ी के बुरादों पर चूजों को छोड़ दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी का बुरादा क्यों? तो दोस्तों लकड़ी का बुरादा इनके मल मूत्र को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि पोल्ट्री फार्म में ज्यादा बदबू नहीं आती और छोटे छोटे चूजों को भी यहाँ सुकून से रहने में मजा आता है। इस प्रोसेस के बाद इनको खाना पीना खिलाया जाता है और वो भी मशीन की मदद से। आप देख सकते हो कि ये चूजा इस लाल रंग की मशीन में खाना खा रहा है। इनको खाने में मक्के का आटा, चावल का आटा और सोयाबीन का चूरा खिलाया जाता है ताकि ये जल्दी से बड़े हो जाए। आप देख सकते हो कि इस पोल्ट्री फार्म में इन चूजों को पानी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन से पिलाया जाता है, जिसमें चूजे मुंह लगाते ही पानी पी सकते हैं। इसके अलावा इन पोल्ट्री फार्म में लाइट और पंखों का इंतजाम भी किया जाता है ताकि इन चूजों को गर्मी का एहसास न हो। दोस्तों अब इन चूजों को ऐसे ही 5 से 6 हफ्तों तक खाना पीना करवाया जाता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनसे व्यापार किया जाता है, जैसे कि इनके द्वारा किए गए अंडों को मार्केट में बेचा जाता है और जो मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है उन्हें भी मीट के लिए बेच दिया जाता है। अब दोस्तों जो मुर्गी अंडे देती है उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक दूसरी मशीन तक भेजा जाता है और अब आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हो कि ये मशीन अंडों को सरलता से उठाकर ट्रे में रख देती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद मजदूरों द्वारा अंडों की ट्रे का सेट बनाकर आम जनता को बेचने के लिए अलग अलग मार्केट्स में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कि कैसे अंडों से चूजों को निकालकर उन्हें बड़ा करके अंडों का व्यापार होता है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ मुर्गे और मुर्गियों की पोल्ट्री फार्म का मालिक थोड़ा और बड़ा होने देता है। ऐसा वो क्यों करता है आपको आगे बताते हैं। अब जब मुर्गियां और मुर्गे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट के जरिए दोबारा से मीट फैक्ट्री में भेजा जाता है। मीट फैक्ट्री में सबसे पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट पे रखते हैं और फिर फैक्ट्री में मौजूद लोग मुर्गे मुर्गियों को एक हैंगर पर लटकाते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों हैंगर पर इन्हें उल्टा लटकाया जाता है ताकि इनके गर्दन को आसानी से मशीन के द्वारा ही काटा जा सके। आप देख सकते हैं कि एक मशीन में घुसते ही इनकी गर्दन गायब हो जाती है। अब गर्दन काटने के बाद इनको ठंडे पानी में डुबो दिया जाता है। ठंडे पानी में इसलिए क्योंकि ठंड की वजह से इनके पंख खड़े हो जाते हैं। अब इन हैंगर को दूसरी मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन मुर्गे मुर्गियों के पंख को साफ कर देती है और फिर इन्हें अच्छे से मशीन द्वारा ही धो लिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये मशीन इनकी टांगों को काट देती है और आगे की तरफ भेज देती है। आगे मौजूद कर्मचारी इनके शरीर से गंध को अलग कर देते हैं ताकि आम जनता तक फ्रेश मीट को पहुंचाया जा सके। आप वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं कि हाथों से इनके अंदर मौजूद गंध को निकालने के बाद भी एक मशीन से ड्रिल लगी हुई है जो कि अच्छे से सभी गंध को बाहर कर देती है। अब सभी गंध निकालने के बाद इनको गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि इनकी अच्छे से सफाई हो जाए और इनके अंदर पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए। अब दोबारा से इन्हें हैंगर पे लटका देते हैं ताकि वर्कर आसानी से इनको एक पॉलीथीन में पैक करके रख दे। आप देख सकते हैं कि चिकन की पैकेजिंग का काम भी मशीन द्वारा ही होता है और कुछ लोग होते हैं जो मुर्गे के हर हिस्से को खरीदना पसंद करते हैं। अब उन लोगों की किसी किसी फैक्ट्री में इन मुर्गों की कटाई की जाती है, जैसे कि कुछ लोग उसके पैर को काटते हैं, कुछ लोग उसकी गर्दन को काट देते हैं। मुर्गे की सभी हिस्सों की कटाई के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि हर बॉडी पार्ट को पैक करने के लिए अलग अलग मशीन लगी होती है, जैसे कि अगर इनके पैर को पैक करने की और तोलने की मशीन अलग होती है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे मुर्गी के बच्चे के जन्म से लेके उसका खात्मा एक मशीन द्वारा किया जाता है। इन मॉडर्न मशीन के चलते आज दुनिया भर में लाखों मीट फैक्ट्री और पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपने कभी चिकन खाया है या नहीं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।